माइक है, माइक अलाउड है, माइक वीडियो भी अलाउड है। 2023 कनाडा टू इंडिया रोड ट्रिप डन, 2024 भारत भ्रमण लोडिंग। भाई चार जाने मुमताज के लिए बनाया था भाई, उसकी प्रेम कथा है, उनकी अमर प्रेम कथा है, उस चक्कर में कई लोगों का घटा है, तो ठीक है भाई अब हम जाके देख। फुल पावर के नाम से बहुत मशहूर हूँ मैं। और भाई चलो बात शुरू करते हैं, हम कहाँ थे, कहाँ गायब थे, सारी बातें बताते हैं। ये है रूसे राई, वेलकम बैक टू द चैनल, और ये है हमारी इंडियन ओडिसी जिसका नाम हमने रखा है भारत भ्रमण। ये है हमारा मैप जो भाई 3 से 4 अटेम्प्ट के बाद फाइनली लगा है, लेकिन अभी भी मैं फुल्ली सैटिस्फाइड नहीं हूँ, और बेटर हो सकता था। तो देख लो भाई, जहाँ मिलूँ वहाँ पकड़ लेना और बता देना कि हम बेटर कर सकते हैं, मैं करवा लूँगा। ये हमारा लोगो है भाई, डिज़ाइन करा गया है, इसके बारे में बताया जाएगा आपको, धीरे धीरे बताएंगे यार। कई दिन बाद मिल रहे हैं, कैसे हो आप, कई दिन हो गए यार मिले नहीं हम लोग। और ये देखो 2023 कनाडा टू इंडिया रोड ट्रिप डन, 2024 भारत भ्रमण लोडिंग। और ये रहा भाई पीछे अपना छोटा डिज़ाइन मैप का, आ रहा हूँ जा रहा हूँ, मुझे देखो ढंग से, तो चलो चलते हैं। हाँ जी नमस्कार, मेरा नाम है तरुण सोलंकी, आप मेरे बड़े सबसे बड़े भाई मतलब को तो जानते ही हैं देवांशु को। एंड ये ट्रिप जो कि भारत भ्रमण है, क्योंकि सब पूछ रहे हैं भाई कहाँ पर है, तो भाई आएगा, जल्दी आएगा, भाई को कुछ काम था इसलिए भाई जा रहा कनाडा वापस, वो मैटर सॉर्ट करके भाई वापस आएगा। तब तक के लिए आपको दिखने वाला हूँ मैं और मेरे भ्राता, हम लोग मिलकर कुछ अलग ही एक्सपीरियंस यहाँ पर आप लोगों से शेयर करेंगे, जो कि हमारे प्रिय देश, हमारे खुद के देश का, भारत का है। रूसेरा ही एक कम्युनिटी है जिसमें ये लोग भी हैं और मैं एक मुसाफिर भी जुड़ चुका हूँ उसमें, पर आप लोग भी रूसेरा ही तो है ही। तो आशा करता हूँ कि जितना अच्छा और जितने मज़े इन लोगों ने आपको दिलाए, उतना ही अच्छा और उतने मज़े मैं भी साथ मिलकर आप लोगों तक पहुँचा सकूँ। हम लोग ट्रैवल करने वाले हैं पूरा इंडिया, यानी भारत का भ्रमण करने वाले हैं। उसके पहले एपिसोड में आपको दिखाएंगे हम अयोध्या, अयोध्या से हम लोग करने वाले आरंभ, और आगे चलते चलते हम पूरा भारत करेंगे कवर। हाँ तो ये ट्रिप कंटिन्यू करते हैं, अब मैं आपको दिखता रहूँगा, तो आदत डालो मुझे देखने की अगले 2-3 महीनों के लिए। जैसा हूँ जो हूँ सब सामने है, आपको पता भी चल जाएगा, तो ज़्यादा इंट्रो की मेरे को ज़रूरत नहीं है, बस यही काफ़ी है। भाई बढ़िया, मतलब वही है लड्डी दी गड्डी वाली बात आ रही, फीलिंग वही अपना जैसे ई रिक्शा में घूम रहे हो, बढ़िया। लेकिन ये बढ़िया ई महंगी वाला, जैसे अपना वहाँ पर गोल्फ वॉल्फ खेलते कैडी वैडी मिलती है ना, उस वाले अपना बढ़िया, उसको डॉली वाली लेके घूमते रहो बढ़िया तरीके से, यही सोच रहा था मैं भी। सही सही, अब बस वही है अपने पास गोल्फ स्टिक की जगह अपने पास भाई सेल्फी स्टिक इन्होंने रखवा दी, बोलते कि सेल्फी स्टिक मत लेके जाना। ठीक है, लेकिन प्रोग्रेस है भाई काफ़ी, पहले 5-6 साल पहले इतना नहीं था, अभी काफ़ी बेटर लग रहा है, देखने में भी सही भी लग रहा है, कितना कुछ खुल गया है यार। और वहाँ भाई लोगों ने पार्किंग में बताया कि यहाँ वाली मार्केट वाले लूटते हैं, तो जितना थोड़ा सा दूर से खरीदोगे उतना पैसा बचेगा तुम्हारा, तो पैसा बचाना है तो रूसेराई को फॉलो करना पड़ेगा। तो यार वैसे अगर आप यहाँ पे गाइड वाइड लेना चाहें तो आपको मतलब 200 से 500 रुपये के बीच में गाइड मिल जाता है, बट एवरी लोकल सेज़ कि आपको यहाँ पर गाइड लेने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज
सारी दुनिया को पता है कि ताजमहल क्यों फेमस है भाई। शाहजहाँ ने मुमताज़ के लिए बनाया था भाई, उसकी प्रेम कथा है, उनकी अमर प्रेम कथा है, उस चक्कर में कई लोगों का घटा है। तो ठीक है भाई, अब हम जाके देखते हैं। व्हाट अ लव स्टोरी। 50 रुपए की होगी टिकट, लास्ट टाइम आया था 10 रुपए की टिकट थी भाई। और दो मेट्रो के वो भी तो मिल रहे तुम्हें। हाँ, ये कोइन से दिए हैं भाई, अलग हो गया थोड़ा सिस्टम। और ये भी इन्होंने शिफ्ट कर दिया, पहले की दूसरी साइड था, बट काफी बेटर बना दिया। और शॉर्टकट भी है गाइस यहाँ पे, अगर आप वहां से मत जाओ, सीधा यहाँ से चलते हुए चलते हुए चलते हुए चलते हुए चलते हुए चलते दो टिकट देना यहाँ से मान सकते। ये बढ़िया भाई, मैं फंस गया था यार इसमें लूप में, इनफाइनाइट लूप में। मेरे को बड़ा टाइम लगा, इतनी देर में तरुण टिकट लेके चला गया मैं भाई, मुझे लेट हो गया। चलते हैं अंदर की तरफ यार, कुछ तो बढ़िया होगा। दिल्ली मेट्रो दरवाजे भाई और खुलेंगे। यहाँ पर ऐसी मशीनें सी लगा रखी है इन्होंने कि भाई जिसमें टोकन डालो और आगे बढ़ते चलो, कोई चक्कर नहीं भाई, कोई इन पर्ची पड़ेगा क्या सिस्टम है, नो शिट्स। अब तो भाई बहुत अपडेट हो चुका है, बहुत सॉर्टेड हो चुका है। आगे बनाना। ओके, ये टोकन आपके पास। अच्छा, चलो अपना फुल बॉडी चेकअप करवाओ भाई। तो दोस्तों हमारे छीन लिए हैं माइक, अब हम जा रहे हैं। अब तू कुछ बोल के सुना भाई। लुट गया, बर्बाद हो गया माइक लेके हमारा। तो आज की जो सबसे पहली डिफिकल्टी आई वो ये हुआ कि भाई हमारे माइक सेट छीन लिए गए, क्योंकि उन्होंने बोला माइक नहीं ले जा सकते, सेल्फी स्टिक नहीं ले जा सकते। तो कोई नहीं भाई, 15 प्रो मैक्स की आवाज़ चेक करते हैं कैसी आ रही है। थोड़ी सी क्वालिटी डाउन होगी तो ये मत बोलना कि यार आप लोग भूल गए क्या व्लॉग बनाना, भाई है ही नहीं इस इक्विपमेंट, क्या करूँ मैं। ये रॉ है भाई। ये बिल्कुल रॉ है, ऐसा ही दिख रहा है। कम से कम आपको दिखाना चाहता हूँ कैसा लग रहा है। हाँ जी, ये भाई एंड वो है, दूसरा वाला फोर्ट्स है जो उसके अंदर है ना, इस तरफ देख। ये इधर, ये हाँ ताजमहल का है पीछे, वो देख पीछे। ओहो, अरे ये रहा, मिल गया भाई ताजमहल। सही यार, इतना भी मतलब बढ़िया है, आलिशान है। हाँ तो अच्छा ही होगा यार, 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में आता है। ओली मानना पड़ेगा। नॉट बैड शाहजहाँ, नॉट बैड, नॉट बैड है। ऐसा प्यार कहाँ मिलता है, ऐसा प्यार। अब इस द्वार को जैसे ही हम करेंगे पार, सीधा घुसेंगे हम ताजमहल के अंदर। नॉट इन कुतुब मीनार। कुछ ऐसे अजूबे होते हैं जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हर एक जात पात सबको एक बराबर एक जगह पर ले आते हैं, दूर दूर से। कितने फॉरनर्स आ रखे हैं यहाँ पर, भरा पड़ा है यार अभी। Exactly. इतनी भीड़ और अभी हम घुसे नहीं हैं जोन में। द ताज महल, कहाँ पर हो, क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे। तो बिल्कुल ताजमहल के सामने आ चुके हैं, अब भाई जा रहे हैं संगमरमर के पत्थर को छूने। बदन कहते तो हैं कि बहुत आम हो चुका है, बदन इतने सारे लोग अभी भी हैं तो इट्स स्टिल वर्थ इट। बिल्कुल भाई, देखना तो जरूरी है भाई। कम से कम 10 मिनट हो गए वहाँ छोड़े हुए फोन। एग्जैक्टली, फोन मिल गया भाई। फाइंड माय फोन में नहीं करना पड़ा, पहले मिल गया। सही है भाई। तो खैर, हाँ बात ये है कि हम लोगों को अंदर जाने के लिए भी ये 200 रुपये का पर्चा लेना अलग से पड़ेगा, ऊपर जाने के, ऊपर जाने के लिए। तो ये है ताजमहल की बैक साइड, और हम भाई से अभी जस्ट पूछा था कि ये जो कुतुब मीनार सा है ताजमहल के अंदर, मतलब ये चटार है, इसमें जो ये दरवाजे है, यहाँ तक अंदर से सीढ़ियाँ होंगी, और ये वॉच टावर की तरह कुछ होगा आई गेस। तो भाई फाइनली देख कर आ चुके, सारा पर्यटन कर लिया पूरा, आगे पीछे अंदर बाहर, 200 रुपये की पर्ची भी कटवा ली, 50 वाली भी करा ली, मतलब फुल लेवे सिस्टम। अब उसके बाद बाहर आके देखते हैं भाई, तेरे को कैसा लग रहा है। तू अपना एक्चुअल रिव्यू दे, तूने फर्स्ट टाइम देखा तो हाउ आर यू फीलिंग अबाउट इट। मैं खुश हूँ बिकॉज पहली बार देख रहा हूँ, एंड ऐसा नहीं है कि कुछ चीज़ छोड़ कर आए हैं, सब कुछ देख कर आए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जितना जो भी था, एंड वैसे बहुत आलिशान चीज़ है यार, एज इन लाइक एक मॉन्यूमेंट के हिसाब से अगर देखा जाए तो वाह यार क्या ही तो बना रखा है खूब।
मस्ट विजिट प्लीज यार, अगर आज तक नहीं आए तो एक बार तो आओ जरूर, देखो मजा आएगा। इनक्रेडिबल इंडिया। भारत भ्रमण के इस एपिसोड में हम लोग ताजमहल को छोड़ रहे हैं थोड़ा पीछे और बढ़ रहे हैं आगे अपनी और मंजिलों की ओर। स्टेडियम गाइस खाएंगे ब्रो। ओह यस, खाना तो इज अ मस्ट। बाय बाय ताजमहल, बाय कर दो भाई। इस बैकग्राउंड में कितना सेक्सी लगता है ना, ऐसे पकड़ो थोड़ा और पास जा। ये आ गया। ताजमहल देख के निकल चुके हैं आगरा से, थोड़ा पेठा शेठा भी खा लिया है, सारी चीज़ें सॉर्टेड हैं। अब हमें कुछ और समझ नहीं आया तो हमने सजेशन लिया भाई अपने यहाँ पर जो लोकल फ्रेंड्स रहते हैं लखनऊ आगरा वगैरह साइड में, तो भाई लोगों ने कहा कि लखनऊ जाओ, टुंडे कावा वगैरह खाओ, फोर्ट वगैरह हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अब हम चल दिए हैं आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे की तरफ, तो अब आगे बढ़ते हैं। तो भाई काफ़ी लंबी ड्राइव करने के बाद फाइनली पहुंच चुके हैं लखनऊ, और लखनऊ में कहाँ आए हैं हम, टुंडे कबाब वाली गली में। भाई खाना वाना खाना है, सुबह से ऐसे ही घूम रहे हैं, वही वाली बात है जब रोड पे आ जाते हैं तो उसके बाद फिर वही वाली प्रॉब्लम्स रहती हैं कि अभी नहीं खाएंगे, थोड़ी देर बाद खा लेंगे, थोड़ी देर बाद खा लेंगे, क्योंकि खाएंगे तो बढ़िया खाएंगे, खाएंगे तो बढ़िया खाएंगे, क्योंकि ट्रैवल कर रहे हो तो लाइट ही खाना चाहिए। तो भाई ये है द फेमस टुंडे कबाबी ऑफ लखनऊ। तो अब यहाँ पर चलते हैं अंदर की तरफ, खाना वाना खाते हैं। होते हुए देख लिया भाई आपने। लखनऊ भाई एपिक है भाई, बहुत सही। रुक जाओ मैं उठा देता हूँ, दो बार उठा चुका हूँ भाई, ये तो रिकॉर्ड इसलिए हो गया क्योंकि गिर जा रहा बाहर। भाई काफी लंबा दिन हो चुका है तो अब फाइनली जाके बिस्तर मिला है। सही है यार, यहाँ पे टेरिस भी सस्ता ही है होटल होटल का। तो अब अगला दिन करेंगे कल शुरू, आज था भाई डे वन ऑफ भारत भ्रमण, अब कल थोड़ा कंटिन्यू करेंगे क्योंकि आज काफ़ी सारी चीज़ें हो नहीं पाई। तो ठीक है भाई, सॉर्टेड है, रेस्ट वेस्ट करते हैं। चुके हैं लखनऊ में, नवाबों का शहर है लखनऊ, उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ, और हम इस टाइम पे खड़े हैं बड़ा इमाम बाड़ा के सामने, वो उस तरफ है। और भाई अभी वहाँ पर हमने एक भाई से पूछा, उन्होंने बोला कि आज फ्राइडे है तो जुमे की रात है, इस वजह से ये शाम को खुलेगा और शायद ना भी खुले, तो वही वाली बात है, टफ लक। कोई बात नहीं, हम वहाँ से इसकी ब्यूटी को अप्रिशिएट करते हैं। 1784 में नवाब ऑफ अवध ने ये बनाया था भाई, एक नंबर बना रखा है, क्या बढ़िया कंस्ट्रक्शन है, मतलब आज से 300, 400, 500 साल पहले भी इतनी अच्छी मार्वलस कंस्ट्रक्शन होती थी, मतलब इट्स सो मेसमराइजिंग एंड अनरियलिस्टिक सा लगता है कि ऐसा हो कैसे जाता था। तो चलो कोई बात नहीं, अब आगे बात करते हैं कि आगे का विचार है क्या। फर्स्ट डेस्टिनेशन, जो मेजर डेस्टिनेशन है भारत भ्रमण की, वो है राम मंदिर अयोध्या। तो यहाँ से हम जा रहे हैं राम मंदिर की तरफ, कुछ यहाँ पे नाश्ता वास्ता करेंगे और बढ़ेंगे अपनी मंजिल की तरफ। जय श्री राम।
रहे हैं, फिर जा रहे हैं। हाँ क्या हो जाएंगे नहीं भैया? जा रहे हैं अभी, परमिट मिल गया अंदर जाने का, गाड़ी लेके पास मिल गया। हाँ इतना तो नित ध्यान होना चाहिए, मिले किसी से जय श्री राम होना चाहिए। यह है कि ये हमारा राउंड टू है यहाँ पर आने का। पिछली बार हम अभी यहाँ पर आए तो इन्होंने बोला कि यहाँ पे पास का इशू है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आप लोगों को भी बता देता हूँ मैं कि यहाँ पे पासेस चाहिए होता है अंदर जाने के लिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पब्लिक आ रही है, तो वही वाली बात है कि कुछ रूल रेगुलेशन का इशू है। व्हीकल के लिए परमिट चाहिए आपको। तो एक हमारे मित्र हैं, उनका अंदर होटल है, तो उन्होंने बोला है कि परमिशन हो जाएगी, आप आइए। अभी वो गए हैं परमिशन लेने, हम जाएंगे आगे की तरफ। तो फाइनली दोस्तों, जिस डेस्टिनेशन पे पहुंचना था, हमारे भारत भ्रमण की जो सबसे नींव है, जो शुरुआत करी जाएगी, वो है अयोध्या से। तो जय श्री राम, हम अयोध्या पहुंच चुके हैं। yes. और अब हम ले रहे हैं परमिट्स वगैरह, और फिर इसके बाद निकलेंगे आगे की तरफ। मंदिर में दर्शन करेंगे, हनुमान गढ़ी जाएंगे, बहुत कुछ होगा, मजा आने वाला है, क्योंकि राम जी अयोध्या पधार चुके हैं जी। भाई जो जैसा चाहता वैसा तो नहीं हुआ, लेकिन अब भाई लोग खड़े हैं सामने और हमें किसी और दूसरे रास्ते से ले जाने की बात कर रहे हैं, तो लेट्स जस्ट सी, चल के देखते हैं कहां पर कैसे क्या होता है। इन्होंने तो सख्त मना कर रहे हैं भाई, कोई जाने नहीं दे रहा हमें ना। तो भाई बंदा कन्वेंस करने की पूरी पूरी कोशिश कर रहा है कि भाई लेके जाने दो, जाने दो। तो अब वो सर बात कर रहे हैं कि शायद जाने देंगे कि नहीं जाने देंगे। अब उन्होंने तेरा कैमरा भी देख लिया, और तो अब वो ये बोलेंगे कि अच्छा वीडियो बना रहा है, रूल फॉलो करने हैं, नहीं जान दूंगा। सब्जी वाले के पीछे फंस गए। तो भाई फाइनली एक छोटी सी ड्राइव करने के बाद आ चुके हैं अपने रिजॉर्ट पे। तो अब यहाँ पर जाते हैं फटाक देसी, अंदर जाके अपना रूम वूम देखते हैं। ये हैं अमित जी, यहाँ के मैनेजर। तो चलो अमित जी रूम देखते हैं अपना। अभी सामान वामान लेकर आऊँगा यार थोड़ी देर में जाके, थोड़ा सा तक गया हूँ, फ्रेशन अप होना है। और देखो आपकी एंट्री यहाँ पे भजन के साथ होती है। ये रूम है यहाँ पर इस तरीके से बना रखा है, बहुत ही मॉडल सा डिज़ाइन दे रखा है कि अच्छा है, और यहाँ पर बढ़िया भजन भजन सुन सकते हो। और ये रहा भाई मैं, तरुण पीछे आ रहा है वो थोड़ी सी देर में। ये है भाई वॉशरूम यहाँ पे, थ्री है। ओह नाइस, कूल फीचर्स, इसके चेंज वेंज कर सकते हैं, बढ़िया सेल्फी वेल्फी लेने के काम आएगा यार, बढ़िया रहेगा ये भी। सही है, काफ़ी स्पेशियस बना रखा है, काफ़ी बेटर है। और मैं आपको बताता हूँ ये हॉस्टल है किसका, आप जानते हैं उसको, अभिषेक का नाम आपने सुना होगा, अभिषेक को हम नोमैड इंजीनियर के नाम से भी जानते हैं, उसी का होटल है वो। मेरा खास अजीज दोस्त है, तो उसने बोला कि भाई यहाँ जा रहे हो तो हमारे यहाँ पर रुको। तो अमित जी एक बात बताओ, यहाँ पर अपना राम मंदिर कितना दूर है यहाँ? राम मंदिर यहाँ से 100 मीटर। 100 मीटर, अच्छा मेन रोड पे पास ही है, मेन रोड के सामने ही है। तो बहुत प्राइम लोकेशन है भाई, बहुत बढ़िया है और अच्छा बना रखा है, काफ़ी मॉडर्नाइज और काफ़ी फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पे। और अपना हनुमानगढ़ी यहाँ से 200 मीटर की दूरी पे, 200 मीटर, और सरयू नदी 2 किलोमीटर, सरयू नदी 2 किलोमीटर, और राम पैड़ी भी यहाँ से पास। हाँ राम पैड़ी पास में, बहुत बढ़िया। तो भाई प्राइम लोकेशन है, जब भी आपका अयोध्या आने का विचार बने तो डेफिनेटली यहाँ पर आए। अब हम जाते हैं अंदर, चेंज वेंज करते हैं, सामान लाते हैं और फिर जाते हैं रामलला के दर्शन करने। यहाँ पर मम्मी ने बताया था कि आपको अगर राम जी के दर्शन करने हैं उससे पहले आपको हनुमान जी से परमिशन लेनी पड़ेगी। खूबसूरत, इतना सुंदर, क्या स्कल्पचर्स कर रखे थे, क्या एकदम तराशा गया रहता।